हाय गाइस, बहुत घूमने के बाद हम लोग को यहाँ भी टेटनस बोलते हैं इसको। ये इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1000 से 1200 किलो या 2000 रुपये किलो होता है। ये देखिए मशरूम, मशरूम भी बोला जाता है, खड़ी यानी देखिए इतना सारा उगा हुआ है, देख सकते हैं कितना सारा खड़ी। वाह, अब इसको उखाड़ेंगे, दिखाते हैं कैसे खड़ा जाता है। हाय गाइस, हम लोग आए हैं मशरूम चुनने। जस्ट लाइक किसको बोलते हैं मशरूम, इसको यहाँ पे खुखड़ी बोला जाता है और छत्ता बोलता है कोई कोई, और यहाँ पे खुखड़ी और हम लोग बोलते हैं उसको मशरूम। आइए देखते हैं आज कितना मशरूम मिलता है हम लोगों को। 2-3 दिन घूमे, एक दिन तो घूमे तो हम लोग को 4-5 ही मिला था आज भी। ये है पूरा, इसे भी लंबा लंबा होता है। ये भी जाएगा वैसे। ये रहा हमारा मशरूम, मशरूम ढकने बाद फिर निकलेगा, बोला जाता है कि 4-5 घंटे में फिर निकल जाता है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे भी और भी है। बाप रे, कहाँ कहाँ छिपा रहता है पता भी नहीं चलता। इन लोगों को भी छिपने की आवश्यकता होती है, बस कोई सांप ना मिल जाए झाड़ियों के तले। तेरा क्यों यू टाइम आते हैं ना साला, लेके एक जाते हैं का डेढ़ तो हुआ। सॉरी सॉरी, काफी बालू वाला मिट्टी है। फिर बोला जाता है कि लाल मिट्टी में उगता है ज्यादातर आदमी को, बोला जाता है कि मशरूम ये वाला कि लाल मिट्टी में ज्यादा पाया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी मिल जाता है। कल पत्थर के नीचे से ले गए हम, ऐसे ही खड़ा जाता, देख लीजिए। ये रहा,
को चोट लगी, टूट गया। देखिए टोटल भी इतना निकला। आइए और भी देखते हैं। यहाँ पे कुछ उस गाय चरते चर रही हैं। अब हम लोग देखते हैं आके क्या होता है। लगता धनंजय को मिला है, सच में मिला है क्या? ओहो भाई, अब देखते हैं कितना कौन सा है कैसा है। जहाँ तक कि हम लोग आप लोग को बता रहे थे कि कहीं भी निकल सकता है, हम लोग को गलत जानकारी दिया जा रहा था। पर यहाँ कोड़ा किधर है, हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ से निकाल चुके हैं हम अभी एक, ये वाला जी ये निकल चुका है, निकाल चुका आने है। में थोड़ी देर हो गई हमको, आने में थोड़ी देर हो गई। ये एक मिला है और यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये कैसे निकलता है, किस चीज़ से निकलता है। अच्छा, किस चीज़ तो से आइए निकलता हम है, लोग देखते हैं। देखिए कैसे क्योंकि निकलता पत्थर है। है, मट्टी रहता तो हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता था, लेकिन पत्थर है तो हटा के हम देख सकते हैं कि किस तरीके से निकलता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, इसे हम लोग साफ करते हैं और देखेंगे कैसे निकलता है, किस चीज़ से। ये देखिए अच्छा, छोटू एक छोटू छोटा सा सा, दिख रहा है, रुकिए आप लोगों को दिखाते हैं, सब नहीं दिखेगा हमको लग वो रहा है। इधर से दिख सकता है, देखिए दिख रहा है हम लोग आप लोगों को, ये देखिए छोटा सा दिख रहा है, गोल सा दिखा, ये है देखिए। इसके नीचे हम लोग अगर कोड़े तो दिख सकता है कैसे निकलता है। ये देखते देखिए, हैं इसका टूट गया वो नीचे वाला भाग। ये देखिए इस तरीके से निकल रहा है, दिए का बनाया हुआ घर जैसा है। ये ये देखिए, बेचारा देखिए कितना छोटा है, देखिए कैसे निकलता ये है, भी इतना छोटा है। ये और बच्चा है, इन सबों को आप देख सकते हैं कि ये कितनी कितना बड़ा हो चुका है। ये देखिए बच्चा आप है कंपेयर इसका कर सकते हैं, देख और ये लीजिए, कितना बड़ा है, यही मतलब। इतना छोटा सा है अभी। ये देखिए जैसे कि हम लोग को बताया जा रहा था कि देखिए खड़ी कैसे निकलता है, ये नीचे हम लोग यहाँ से कोड़े हैं और ये निकला है। देखिए एक आपको टेटनस दिखेगा, देखिए अब इसके बारे में धनंजय बताएंगे कुछ। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि ये हमने यहाँ से निकाला थोड़ी देर पहले, और ये कीड़ों द्वारा बनाया गया एक छोटा सा घर जैसा है उनका, इसमें देख सकते हैं आप छोटा छोटा घूम रहा है। ये देखिए, इसको दीमक बोलते हैं शायद। हाँ दीमक शायद यही बोलते हैं। और ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, इसी से ये बन के निकलता है मशरूम खुखड़ी, जो कि इतना बड़ा तक हो जाता है। काफ़ी नीचे होने की वजह से बाहर निकलते निकलते काफ़ी लंबा हो जाता है, देख सकते हैं इतनी ऊंचाई से निकला था ये इसी तरीके से। और ये पत्थर के नीचे था इसलिए हम लोगों ने इसे उखाड़ कर देखना चाहा कि ये कैसे निकलता है, तो हमने ये पाया है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से निकलता है इसमें से। अब चलिए इसको तो आइए वापस हम वहीं रख लोग देते हैं, वापस रखते हैं और आगे की ओर चलते हैं। अब आगे देखते हैं और कितना टेटनस मिलता है हम लोग को। चलिए इसी इसी कारण तो बोला जाता है पेड़ के आसपास ज़्यादा मिलता है, और जहाँ तक कि दीमक लोग का घर पेड़ के आसपास ही रहता है। और चलिए अब आगे देख चलते हैं, इतना ज़्यादा तो मिला भी नहीं है, अब आगे चलते हैं। गाइस हम लोग को फिर एक गो मिला है, खाली एक ही गो है, देखते हैं हम निकाल पाते हैं कि नहीं। इससे पहले तो धनंजय ही निकाल रहा था, वो अच्छे से निकाल रहा था, अब देखते हैं मेरे से कैसे निकलता है। भाई सही कोट, अरे भाई सही कोट रहे ना। हाँ एक और कोशिश कीजिए, हम थोड़ा इधर से ले लेते हैं। इसके चारों तरफ कोड़ना पड़ता है भाई। अब इसको थोड़ा सा भी हिलाएं क्या, थोड़ा नहीं अभी नहीं, थोड़ा और ले लीजिए। हाँ सा और ले लूं। ऊपर थोड़ा टूटा हुआ दिख रहा है। अब लिप खाऊं क्या, कोशिश कीजिए शायद हो जाए। चलिए अब देखते हैं हम भी धनंजय का टेक्निक। ओह नो, हमसे आधा उखड़ा, ये देखिए इन्होंने निकाला ही है। हमसे आधा ही निकला। पहले तू ही कर, तू ही कर, तू ही अच्छा कर लेता है, लो कबाड़ो। देखते हैं ट्राई करके अगर हमारे पकड़ने लायक बचा हुआ हो तो। देखते भाई हमसे तो हुआ नहीं, हम ट्राई कर रहे थे, अब देखते हैं धनंजय निकाल पाता है कि नहीं पूरा इसका।
और इसे कोई कीड़े खा रहे थे। उन लोगों को भी स्वाद मालूम है, ये बहुत महंगी चीज़ है। देखिए कैसे कीड़े खा रहे थे ये। मैंने उखाड़ा तो यहाँ से उखड़ गया, अब देखते हैं आगे कैसे उखड़ता है। मिल भी ना रहा, कहाँ है, विलुप्त हो गया, लगता विलुप्त। है काफी नीचे से आपने उखाड़ दिया है। वो देखिए उसका निकला। अरे नहीं मिलेगा लगता है यार। ये देखो इसका अरे इसका आधा पार्ट्स निकला है। अब नहीं फिर मिलने वाला है ये। अब ये नहीं मिलेगा। अब हमको लगता है अब ये कम धनंजय अच्छा से कर लेगा। चलो चलते हैं अब आगे देखते हैं कहीं मिलता है तो। हम लोग को और यहाँ दिखा, देखिए जैसे कि ये सब जगह है ना, ये सब जगह के आसपास भी मशरूम मिलता ही है, पर यहाँ पे अभी नहीं है। हम लोग खोजे यहाँ पे, ये सब सांप का घर भी बोला जाता है इसको, दीमक का घर भी, बहुत सारा यहाँ रहता है। देखिए हम लोग को आज इतना मिला है, इतना मिला है, ज़्यादा नहीं मिला, थोड़ा सा ही मिला है। देखिए अब इसको आगे घर में फ्राई करेंगे और खाएंगे। ओके भाई दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग।